नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की खबर बिहार के सीतामढ़ी से। पीएमपीएसआई के सर्वे को लेकर एक बैठक जिला संचारी रोग पदाधिकारी सह जिला एड्स नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार की अध्यक्षता में सदर अस्पताल में आयोजित की गई, जिसमें बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना एवं आदिति संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में संचालित लिंक वर्कर स्कीम पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान बीएसएसीएस के पीओ अजय कुमार बरनवाल ने बताया कि जिले में मौजूद समस्त उच्च जोखिम समूह के लोगों का सर्वे आदिति संस्थान द्वारा किया जाना है, जिसको लेकर सीएसपी का गठन होना है। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। आज स्टेट से ये आए हुए हैं लोग, जो कि जितने भी एचआईवी एड्स के हाई रिस्क ग्रुप के लोग हैं, उन लोगों का मैपिंग करना है और मैपिंग कर करके टारगेटेड हेल्थ डिलीवरी करना है। उन लोगों को बिहेवियरल चेंज के बारे में, उन लोगों को सेफ सेक्स के बारे में, और इससे जो लोग पीड़ित हैं उनको इलाज के बारे में, गर्भवती महिलाओं में एचआईवी के टेस्ट के बारे में, ताकि उससे जो है नवजात शिशु में इस बीमारी का ट्रांसमिशन ना हो, इसके संदर्भ में आज चर्चा हुई हम लोगों की। तो हम लोग जहाँ भी इस तरह का ग्रुप है, मेल सेक्स वर्कर्स हैं, फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, और जो ट्रांसजेंडर ग्रुप्स हैं, उन लोगों को टारगेट करना है, उन लोगों का मैपिंग करना है, कहाँ कहाँ पर वो लोग जो है, कितने व्यक्ति हैं, उन सभी के समूहों को चिन्हित करना है, और चिन्हित कर करके उसमें जितने भी व्यक्ति हैं सभी व्यक्तियों को लक्षित, मतलब उन लोगों को टारगेट कर करके हम लोगों का हेल्थ डिलीवरी जो है वो किया जाए। इसी पर